हेलो वेलकम इन आवर ई लर्निंग सेशन ऑफ अवर डेल्टा होम। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अवर केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा दैट इज नाउ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जब व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ आते हैं और सिंगल प्रोडक्ट रेडी होता है तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे दैट इज नाउ NH3। NH3 मींस क्या होता है, इसका फॉर्मूला है अमोनिया। इसमें अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो हमें मिलता है दैट इज NH4Cl। बैलेंस है हाँ NH4 एंड देन Cl अमोनियम क्लोराइड। तो दो रिएक्टेंट्स मिलके अगर एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल लीजिए दैट इज नाउ दिस 2Ng+O2। अगर ये मिल रहा है Mg versus मैग्नीशियम, अगर उसके अंदर हम ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन होती है उसमें अगर ऑक्सीजन मिल रहा है उसे, तो हमें क्या मिलता है दैट इज नाउ 2NgO। अब ये दो रिएक्टेंट्स एड होके क्या मिल रहा है भाई, सिंगल प्रोडक्ट। सो दिस इज नाउ आल्सो कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम में पूछा जाता है दैट्स क्लासीफाई या आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये हमें पता होना चाहिए दो रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, बट इसका रिजल्ट जो है प्रोडक्ट है वो हमें सिंगल ही मिले तभी हम उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे चूंकि और एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज नाउ द कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अगर इसमें हमने वाटर डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर डाल दिया तो हमें क्या मिलता है CaOH/2 और हीट इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे ये बोलेंगे मैडम इसके साथ तो हीट आ रही है, तो दिस इज नॉट अवर द प्रोडक्ट। यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है, सिर्फ हीट इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में भी जाती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी जाती है, जो हीट इवॉल्व करती है, बट अभी हम फिलहाल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। So, CaO+H2O अगर मिक्स हो गया, that is reactants मिक्स होने के बाद प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CaOH/2। It is just as evolved as in all the form of endothermic reaction is also. तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब इसके अपोजिट होता है that is डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स क्या करता है, सिंगल रिएक्टेंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट अगर हमें मिलते हैं इसके पूरा अपोजिट चलता है। तो दिस कॉल क्या बोलेंगे हम उसे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम शुगर C12H22O11। ये फॉर्मूला है शुगर का। देन अगर इसे हमने हीटेड किया तो हमें क्या मिलता है शुगर को, कभी आप ट्राई करके देखो घर में हीट करके देखिए तो हमें क्या मिलेगा, उससे काला काला कलर का एक कलर मिलेगा एंड वाटर इज इवोपोरेटेड। और जो ब्लैक कलर का जो शेयर मिलेगा, लेयर मिलेगा दैट इज अ कार्बन दैट इज 12C फॉर्म, और बाकी वाटर इज गे इवोपोरेटेड दैट इज 12H2O। ये वाटर इवोपोरेटेड हुई तो हमें क्या मिला, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा अगर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो उस रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले लेते ताकि आप अच्छे से समझ जाए। देखिए CaCO3 द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसे हमने हीट किया तो हमें मिलता है CaO+CO2। जैसे CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और उसके साथ हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को हीटेड किया तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैसेस इवॉल्व। अब ये क्या होगी, कौन सी रिएक्शन हो गई है, डिकम्पोजिशन क्यों हो गई है, क्योंकि एक रिएक्टेंट्स को हमने दो या दो से ज्यादा में डिवाइड कर सकते तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, यहां तक आप सबको अच्छे से समझ गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे दैट इज नाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस करना मींस सेपरेटिंग करना, जैसे आप देखिए एग्जांपल के तौर पे दैट इज जिंक
ZnSO4 में से जिंक सल्फेट अगर इसके अंदर हमने Cu ऐड कर दिया, Cu के साथ ZnSO4 सॉल्यूशन में अगर हमने कॉपर को ऐड कर दिया तो क्या करेगा, कॉपर इट डिस्प्लेसेस द प्लेस ऑफ जिंक एंड ये सेपरेट करेगा, दैट इज CuSO4 मिलेगा हमें और जिंक इट गेट सेपरेट आउट। अभी क्या कर दिया, जिंक की जगह ले लिया, किसने ले ली, Cu ने, मींस इट डिस्प्लेस द डायरेक्ट दिस डिस्प्लेस द प्लेस, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक ले लेते एग्जांपल, दैट इज CuSO4, अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने आयन के फिलिंग्स डाले तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आयन जगह यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, उसी में इधर इसकी जगह आ जाएगा, मीन्स हमारा सॉल्यूशन हो गया FeSO4 प्लस कॉपर, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। अभी आ गया, हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए हमने इसे क्या उसी रिएक्शन कहा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कभी कभी डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है, मींस हाई ऑफ प्रायोरिटी मीन्स लो प्रायोरिटी का हाई प्रायोरिटी पे जाता है, हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी पे हो जाती है, अपनी जगह एक्सचेंज करते हैं, तो अगर दोनों कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों में से एक ही कर रहा है तो ओनली द डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए एक एग्जांपल, K2CrO4, दैट इज नाउ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट, ये हम BaSO4 मींस बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन में अगर ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अभी K2 और Ba ये अपनी जगह डिस्प्लेस हो जाएंगे, अलग अलग कर देंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, K2 की जगह पे B चले जाएगा, मीन्स BaCrO4, और K2 कहाँ हो गया, सेकेंड पोजिशन में K2SO4, मीन्स बैरियम क्रोमेट मिलेगा एंड पोटेशियम सल्फेट मिलेगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये यहाँ तक सबको समझ गया, अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे जाएंगे, दैट इज नाउ द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मींस जहां जब हमारे हीट यूज कर रहे हैं, जब रिएक्शन में हम अगर हीट का यूज कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट इवॉल्व होती है बाहर आती है तो उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, दैट इज CaCO3, इसके अंदर अगर हमने हीट यूज किया है तो हमें क्या मिल रहा है, CaO+ CO2 गैस। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमने हीट का यूज किया है, मींस कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब दूसरी ओर एक देखिए CaO+ H2O, CaO कैल्शियम में वाटर ऐड कर दिया हमने तो अभी हमें क्या मिला, CaOH2। अब फिर बाद में हमें हीट मिल रही है, इट इज इवॉल्व, अब इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन में हीट का यूज कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हम हमारे रिएक्शन में प्रोडक्ट के इसमें फॉर्म में हीट बाद में निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तब उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इज इट ओके, तो अब हम जाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या, जो रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे कहा जाता है, या तो ऑक्सीजन इस साइड में रिएक्टिव साइड में ऐड हो या फिर हाइड्रोजन उस रिएक्शन से बाहर निकले तब उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ 2Mg+O2 इट फॉर्म्स द 2MgO, और क्या हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अभी देखिए MgH2 इसका सेपरेटिंग आउट हो जाएगा, स्प्लिटिंग आउट Mg+H2, अब यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हुए क्या, नहीं, फिर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन उस रिएक्शन से बाहर हो गया,
हाइड्रोजन अगर उस रिएक्शन से बाहर हो गया फिर भी वो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी आप देखेंगे रिडक्शन, तो फिर रिडक्शन कैसे हो जाएगा, रिडक्शन हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन लॉस हो तो उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन CaO दैट इज अ कॉपर ऑक्साइड, इसमें अगर हम H2 ऐड करें तो हमें सेपरेटिंग आउट में मिलता है Cu+H2O मींस कॉपर प्लस H2O। अब क्या हो गया हमारा, और हाइड्रोजन यहां पे ऐड, हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो फिर हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन होती है दैट इज नाउ द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन बोथ, अगर दोनों भी रिएक्शन सेम हो रही है, दोनों कौन सी, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 2H2S। एग्जांपल में देखिए दैट इज नाउ द 2H2S प्लस SO2, SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में SO2 अगर हमने गैस दी है तो क्या हो जाएगा, 3S 3 सल्फर नीचे प्रेसिपिटेट, नीचे आ रहा है मींस क्या हो गया, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्लस हमें क्या मिल रहा है, 2H2O। सो 2H2S प्लस SO2 इट गिव्स आउट 3S इन प्रेसिपिटिन द प्रेसिपिटेट फॉर्म प्लस 2H2O। ये एग्जांपल। अब इसमें क्या हो रहा है, SO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एंड वहां पे H2S देखिए H2S में से H2 निकल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में S मिल रहा है, तो H2 इज रिवॉल्ड इट आउट, SO2 था उसमें से ओनली S मिल रहा है, मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक साथ रिएक्शन हो रहे तो कौन सा हो जाएगा रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ जाए। देखिए MnO2 प्लस 4HCl, अब इस रिएक्शन में हम करेंगे तो देखिए MnCl2 मिला हमें प्लस 2H2 प्लस Cl2। अब देखिए MnO2 O2 जो था हमारा सेकंड प्रोडक्ट साइड में देखिए वो नहीं रहा, ऑक्सीजन डिसोल्व हो गया, ऑक्सीजन नहीं है, और 4HCl जो हमारा प्लस हाइड्रोजन था दूसरे साइड में देखिए हाइड्रोजन नहीं है ओनली Cl2 है, तो एक साइड में दोनों भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम ना इसे ऑक्सीडेशन कह सकते हैं ना रिडक्शन, इस दोनों भी एक इसमें हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, यस करेक्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे रिएक्शंस की बहुत सारे ये जो टाइप्स है इसका आइडेंटिफिकेशन आता है, तो इसे आप अच्छे से क्लियरली कर लीजिए कि कौन से टाइप में हमें क्या क्या आना चाहिए, तो अगर आपको एग्जाम में कोई रिएक्शंस आए तो उसे आपको पहचानते आना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो आपको यहाँ तक मेरा ये पढ़ा समझा होगा। थैंक्स फॉर